दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है साहिल चैनल लिस्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेके आए हैं मेलबोर्न यूनिवर्सल एचडी सेटअप बॉक्स। दोस्तों मेलबोर्न का ये यूनिवर्सल एचडी सेटअप बॉक्स की अनबॉक्सिंग इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इसके जो फंक्शन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखलाने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मेलबोर्न का ये जो ब्रांड लोगो है ये बना है यूनिवर्सल एचडी बॉक्स है। डीडी फ्रेडिस का लोगो है, फ्री टू एयर चैनल, डिजिटल सेटअप बॉक्स, साथ में दोस्तों वाईफाई, फुल एचडी 1080p, यूट्यूब सब कुछ दोस्तों इसमें ओके है। और यहाँ पे BIS द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, इसे आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग इसकी पूरी दिखाएं। उससे पहले दोस्तों आप सब में से एक लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबर को हम देंगे फुल एचडी वाला सेटअप बॉक्स। और दोस्तों मैं आप लोगों से इसी वीडियो में अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का अगर आप उत्तर देते हैं और वो सवाल इसी बॉक्स से संबंधित होगा, जो बात मैं बोलूंगा उसी से संबंधित होगा, अगर आप सही सही दे देते हैं तो आपको मिल जाएगा दोस्तों एक फुल एचडी वाला सेटअप बॉक्स बिल्कुल मुफ्त में कंपनी की तरफ से। आइए दोस्तों इसकी हम अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले इसके मेन फीचर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या क्या पूरी डिटेल लिखी हुई है। दोस्तों इस बॉक्स को इनलीगल यूज आप नहीं कर सकते, किसी प्रकार का हैकिंग ट्रैकिंग या किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें आप नहीं डाल सकते और ना आपको डालना है, वरना आपका सेटअप बॉक्स खराब हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स के साथ क्या क्या मिलता है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का दोस्तों बेहतरीन बॉक्स मिल जाता है दोस्तों। और ये रहा दोस्तों मेलबोर्न का खूबसूरत एम्पैक्ट 4 बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पावर का बटन है, ये मेनू का बटन है, ये ओके का बटन है, ये चैनल माइनस और ये चैनल प्लस, और ये वॉल्यूम का बटन है और ये प्लस वॉल्यूम का बटन है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेलबोर्न यूनिवर्सल लिखा हुआ है एचडी बॉक्स। अब दोस्तों इसके बैक साइड में आते हैं, यहाँ पे LNB इनका ऑप्शन है, USB का पोर्ट है, HDMI का पोर्ट है और ये है दोस्तों ऑडियो वीडियो का पोर्ट, और ये है दोस्तों USB का पोर्ट, और ये है दोस्तों RS232 सॉफ्टवेयर का पोर्ट, और ये जो पोर्ट है दोस्तों आपको एक नया नवेला पोर्ट दिख रहा है। इस पोर्ट के लिए अलग से एक डिस्प्ले आती है जो कि Amazon पे मिल जाएगी। आप चाहें इसको अपने टेलीविज़न के पीछे छुपा कर, उस डिस्प्ले को सिर्फ छोटा सा डिस्प्ले होगा उसे आप आगे अपने टेलीविज़न के लगा देंगे तो दोस्तों आपका वो डिस्प्ले काम करेगा, वही डिस्प्ले सिर्फ दिखेगा, आपका ये बॉक्स नहीं दिखेगा। और ये रहा दोस्तों पावर जो एडाप्टर इसका लगेगा। प्लास्टिक बॉडी में दोस्तों काफ़ी खूबसूरत काफ़ी बढ़िया बॉक्स हमें देखने को ये मिला है दोस्तों। इसे दोस्तों हम साइड में रख देते हैं और अब देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या इस बॉक्स में हमें मिलता है। सबसे पहले दोस्तों इसके साथ हमें एक HDMI केबल मिलती है जो कि हमारे तरफ से मुफ्त में दिया जाएगा। इसके साथ ऑडियो वीडियो केबल मिलता था लेकिन नहीं दोस्तों, हम आपको HDMI केबल इस बॉक्स के साथ देंगे अपने YouTube चैनल के टीम की तरफ से। ये रहा दोस्तों अगर आप हमसे बाई करते हैं तो। दोस्तों इसका ये रिमोट है दोस्तों, रिमोट भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पर मेलबोर्न की ब्रांडिंग है और यहाँ पे ये बटन सारे काम करते हैं दोस्तों, अन्य HD बॉक्सों की तरह नहीं दोस्तों कि नहीं काम किया बस हो गया काम। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये बैक साइड का इसका पैनल है, इसे भी दोस्तों साइड में रखते हैं। और ये रहा दोस्तों इसका पावर एडाप्टर, पावर एडाप्टर भी दोस्तों आप देख सकते हैं मेलबोर्न कंपनी का ब्रांड लोगो के साथ आपको ये पावर एडाप्टर मिलता है दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत एडाप्टर आपको ये देखने को मिल जाता है दोस्तों। और ये रही इसकी लीड, और लीड भी दोस्तों देख सकते हैं। अब दोस्तों इस बॉक्स को मंगाएं कैसे, कहां से ये बॉक्स मिलेगा दोस्तों? इस बॉक्स को बाई करने के लिए दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा, तभी आपको ये बॉक्स मिल पाएगा। अब दोस्तों इसके फंक्शन क्या है, इसके मेनू क्या है, ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक और बहुत बेहतरीन इसमें फंक्शन है कि आप अपने मोबाइल के द्वारा, मोबाइल में जो चीज़ें हैं उनको भी आप इस सेटअप बॉक्स के माध्यम से अपने टेलीविजन में देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कास्ट DLNA। तो दोस्तों वो सुविधा भी आपको इस बॉक्स में देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे हम आपको इसके और भी फंक्शन और भी डिटेल दिखाते हैं। दोस्तों मेलबोर्न का यूनिवर्सल HD सेटअप बॉक्स का जो बूट लोगो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ ऐसा होगा जब आपका सेटअप बॉक्स ऑन होगा। ऑन होने के 5 सेकंड के बाद दोस्तों जो चैनल्स इस पे लगा होगा वो चैनल्स ओपन हो जाएगा और चलने लगेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने वाईफाई डोंगल भी लगा रखा है
तो दोस्तों वाईफाई डोंगल भी कनेक्ट हो रहा है। और अभी दोस्तों स्क्रीन पर आपको वाईफाई डोंगल की ये देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है। मेन मेनू रिमोट का दाबने के बाद दोस्तों इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आता है, एंटीना सेटिंग, सैटेलाइट लिस्ट, टीपी लिस्ट, मोटर सेटिंग और फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन आता है। एडिट चैनल में टीवी चैनल, रेडियो चैनल, डिलीट ऑल चैनल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम में दोस्तों लैंग्वेज, ऑडियो वीडियो सेटिंग, ओएसडी सेटिंग, कलर सेटिंग, लॉक कंट्रोल, सिस्टम इंफॉर्मेशन देखने को विभिन्न सेटिंग्स मिल जाती है। दोस्तों टाइम्स में आपको स्नैक और टैटेरिस नाम से दो एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाते हैं और इस बॉक्स में टाइमर सेटिंग और टाइम सेटिंग भी आप कर सकते हैं। मीडिया सेंटर में आपको फाइल, वीडियो, म्यूजिक, पिक्चर, रिकॉर्ड फाइल, पीबीआर मैनेजमेंट आप पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क लगाकर देख सकते हैं। अब इंटरनेट में वाईफाई डोंगल हमारा जैसा कि कनेक्ट है तो दोस्तों आप देख सकते हैं वाईफाई डोंगल कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। नेटवर्क सेटिंग दोस्तों आपको नहीं करनी है। वेदर में आ जाते हैं दोस्तों। वेदर में आप अपने शहर का नाम वगैरह डालकर अपने शहर का वेदर जान सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर वेदर। यूट्यूब की बात करें दोस्तों, यूट्यूब यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब चलेगा। दोस्तों किसी भी बॉक्स में हम यूट्यूब की गारंटी नहीं लेते हैं जो HD बॉक्स होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि बॉक्स में चलेगा ही चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जिट होने के बाद IPTV यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और DLNA रेंडर। अगर आपके मोबाइल में DLNA ऐप है तो दोस्तों आप उससे कनेक्ट करके अपने मोबाइल के फ़ोटो, वीडियो, म्यूजिक सब कुछ आप यहां पर देख सकते हैं। फेसबुक भी आप यहां पर चला सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका मेन्यू फंक्शन का डिटेल। अब दोस्तों मेन्यू फंक्शन के कुछ और भी डिटेल हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बतलाऊंगा। देखिए सबसे पहले इंस्टॉलेशन का ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें एंटीना सेटिंग, सैटेलाइट लिस्ट, टीपी लिस्ट वगैरह देखने को मिल जाती है। एडिट में आपको विभिन्न तरह की सेटिंग मिल जाती है। एंटीना सेटिंग में दोस्तों आप सबसे नीचे आएंगे, विलाइंड करेंगे। अगर आपको एंटीने पे नए नए चैनल सेलेक्ट देखने हैं, FTA ओनली पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आप इसे यस करेंगे और ओके कर देंगे। एंटीना जिस सैटेलाइट पर भी आपने लगा रखा है उस सैटेलाइट के सारे चैनलों को ये ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ये खींचेगा और आपको दिखाएगा, यानी कि कम सिग्नल पर भी ये बॉक्स काम करने वाला है। अब मैं एग्जिट हो जाता हूँ। मेनू बार ओके बटन से आपको कुछ इस प्रकार से चैनल्स की पूरी डिटेल के साथ दिखता है। दोस्तों फिर मैं एग्जिट होता हूँ, EPG आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। EPG कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस बॉक्स में देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम आपको इन्फो का बटन दाब कर दिखा देते हैं। इन्फो में दोस्तों सिग्नल बार आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है सिग्नल इंडिकेटर नाम से। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों सिग्नल इंडिकेटर और विभिन्न सारी जो अपडेट्स हैं इस बॉक्स की वो। अब दोस्तों इस बॉक्स को आपको मंगाना कैसे है, किस प्रकार से मंगाना है, तो उसके लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अब दोस्तों रुकिए एक मिनट। दोस्तों आपसे मैंने एक सवाल पूछा है। ये सवाल दोस्तों ये है कि आप ये बताएं इस बॉक्स में का जो मॉडल नंबर है वो कौन सा है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आप कौन सा बॉक्स यूज करते हैं ये भी आप लिखिएगा। अब दोस्तों जिनको भी मंगवाना है इस बॉक्स को वो तो मंगवाएंगे तो उनको फ्री में HD माइक केबल मिलेगा। वहीं पर दोस्तों जो लक्की भाग्यशाली सब्सक्राइबर होंगे उनको फुल HD बॉक्स मिलेगा बिल्कुल मुफ्त में।